सस्रीयकाल केम छो तमे मजा मने कशा हात तुम्ही मज्जेतना हाउ आर यू ऑल है गिद्दारी छलो इद्दारी अल्ला ओके तो मैं विशाली अम्बलीकर और मेरे चैनल में एज यूजुअल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई हम लोगों ने सीखना शुरू किया हुआ है इंग्लिश ग्रामर। ओके तो ग्रामर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो जैसे कि कॉमन नाउन, फिर उसके बाद पिछले वीडियोस में मैंने डूइंग वर्ड्स, उसके बाद टू बी वर्ब्स भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, हम लोगों ने सॉल्व भी किए हुए हैं सेंटेंसेस। तो आई होप अगर आप लोगों ने देखा है तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। ओके तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। तो जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं ना, तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई हैज़ कभी यूज़ करना है और हैव कभी यूज़ करना है। तो आज जब मैं आपको सिखाऊंगी ना, उसके बाद आप लोग का ये कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में कुछ बातें जो है ना, आप लोगों को दिमाग में पक्की कर लेनी है, याद करनी है। ओके इसके अलावा आप लोगों को दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके तो लेट इट गो। ओके तो हैज एंड हैव, द वर्ड्स हैज एंड हैव आर आल्सो वर्ब्स। ओके हैज एंड हैव जो है वो भी वर्ब्स है, ठीक है। वी यूज हैज विथ ही She, it and singular nouns। तो हम लोग has का use कभी करते हैं। जब हम लोग he बोलते हैं, he has, she has, it has, या फिर singular noun, singular and plural। आपको पता है क्या नहीं, एक वचन अनेक वचन। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हैज यूज करेंगे। ओके देन वी यूज हैव विथ आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। ओके तो हैव हम लोग कभी यूज करेंगे, जब हम लोग बोलेंगे कोई भी सेंटेंस हम लोग बोले तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव या फिर प्लूरल नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन अनेक वचन। ओके तो प्लूरल नाउन्स जो ज़्यादा लोगों के लिए हम लोग कोई भी वाक्य बोल रहे हैं तभी हैव यूज़ किया जाएगा। समझ गए आप लोग, हैज सिंगुलर नाउन, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज यूज करेंगे हम लोग, और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे। ओके आई हैव, वी हैव, क्लियर, वेरी गुड। नाउ वी यूज हैज एंड हैव इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म टू शो बिलोंगिंग्स। अभी हम लोग हैव और हैज यूज करके सिंपलर बिलोंगिंग्स को शो करते हैं, जैसे कि एनी हैज अ रेड बलून। तो एक लड़की का नाम है एनी, उसके पास रेड बलून है, और आई हैव अ ब्लू बलून, और मेरे पास ब्लू बलून है। तो इसी तरह से इन लोगों ने हम लोगों को एक्सरसाइज दिया हुआ है, जहाँ पर हम लोगों को हैव और हैज यूज़ करना है। ओके तो एग्जांपल, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव। वन, आई हैव टू सिस्टर्स, मुझे दो बहनें हैं। द काउ हैज टू हॉर्न्स, काउ हैज टू हॉर्न्स। काउ जो है वो सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पर आएगा हैज टू हॉर्न्स। तो गाय को दो सिंग होती
है। सैफ हैज अ न्यू अम्ब्रेला। सैफ लड़के का नाम है, हैज अ न्यू अम्ब्रेला। वी हैव ग्रेट लव फॉर आवर पेरेंट्स। सुमित एंड आई हैव टू मोर मैचेस टू प्ले। क्लियर। मुंबई हैज मेनी टूरिस्ट स्पॉट्स। द टू ब्रदर्स, ब्रदर्स है, ब्रदर्स है तो क्या हो गया, वो सिंगुलर है क्या प्लूरल है? प्लूरल है ना, तो द टू ब्रदर्स हैव थ्री बुलॉक्स एंड टू काउस। ओके, यू हैव अ वेरी फाइन सिंगिंग वॉइस। तुम्हारी आवाज गाने के लिए बहुत अच्छी है। तो इस तरह से तुम लोगों को हैव कब यूज करना है और हैज कब यूज करना है ये अभी क्लियर हो गया है। ओके, और ये बात पक्का याद रखना दिमाग में, पांच पांच बार लिख के निकालना, हैव कब यूज करते हैं और हैव कभी यूज करते हैं। ये जो तुम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसको 5-5 times लिख के निकाल के दिमाग में पक्का डाल दो, लॉक करो, वो चाबी फेंक दो कहीं पे भी, मिलनी नहीं चाहिए वापस खुलने के लिए, ठीक है? गुड। तो अभी इसी तरह से कुछ इन लोगों ने हम लोग को आधे आधे वाक्य है जो दिए हैं, ही हैज, शी हैज, इट हैज, इसमें क्या आ गया हम लोग को, हैज, ही, शी, इट। देन एलन हैज, लता हैज, द कैट हैज, उसके बाद आई हैव, यू हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, द चिल्ड्रन हैव, प्लूरल वर्ड्स। ओके, चिल्ड्रन, गॉट इट, गुड। और इसके पहले के ग्रामर की वीडियोस आप लोग विदाउट फेल देखिएगा बच्चों। ग्रामर नहीं आया तो जिंदगी में कभी भी इंग्लिश नहीं आएगा, और इंग्लिश के पेपर में हमेशा आप लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे, मतलब करोगे ही। ओके, तो पहले से देख लीजिए सारे वीडियोस है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए पुढ़चा पार्ट यानी मागचा सपाट, पीछे क्या सीखा हो सब भूल गए और आगे आगे सीखते जा रहे, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, कुछ बातें हैं वो पक्की दिमाग में बिठानी ही है आप लोगों को, और सब रेडी मटेरियल है, देखना है और समझना है क्या नहीं, तो जरूर देखिएगा वीडियोस। और आज का भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और एक लाइक जरूर दीजिएगा मुझे, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके, चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।